गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स आज हम अपने चैप्टर का पार्ट नंबर एट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसको स्टडी करेंगे और मैं ये देखना चाहूँगा कितने लोगों ने वीडियो को पहले अच्छी तरह से देखा है और फिर अपने नोट्स बनाए हैं तो चीजें ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे मैंने आप लोगों को जज करने के लिए ये देखने के लिए आपने वीडियो अच्छे से देखा है कि नहीं देखा एक मिस्टेक की है और वो मिस्टेक डेफिनेशन में जब मैं आपकी चेक करूँगा जब आप मेरे पास फोटो भेजेंगे तब मैं देखूंगा कि आप लोगों ने कितना वीडियो अच्छे से देखा है कितना उसको समझा है और जो मेरे द्वारा की गई मिस्टेक है उसको आपने नोट किया है तो चलिए वीडियो अच्छे से जरूर देखिएगा और अपना काम अच्छे से नोटबुक में नोट कीजिएगा तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का दैट इज ओम स्लो देखिए ओम स्लो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इलेक्ट्रिक सर्किट्स को सोल्व करने के लिए ऐसे सर्किट्स जिसके अंदर बहुत सारे रजिस्टर्स लगे हों उन सर्किट्स को सोल्व करने में ओम स्लो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है तो देखिए जो पहले हम इसकी डेफिनेशन है बेसिक डेफिनेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं म स्लो स्टेट्स एट यहीं पे आपको पहले कोमा के बाद में लिखना है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ठीक है यही चीज मैंने आपको बताई कि वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा अगर आप वीडियो देखेंगे तो ये लाइन लिखेंगे ओम स्लो स्टेट्स दैट उसके बाद लिखेंगे एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए गिवन मेटलिक वायर और कंडक्टर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट अब डेफिनेशन को मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको कि ओम स्लो हमें क्या बताता है अपने इस लॉ की हेल्प से इस डेफिनेशन की हेल्प से कि अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा किसी इलेक्ट्रिक सर्किट का क्लियर यानी कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है जहां पे आप कुछ ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं और वहां का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उस केस में उस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो आपने कंडक्टर लिया है जो मेटल वायर ली है उसके आक्रोश जो आपने बैटरी कनेक्ट की है जिसकी वोल्टेज V है या फिर आप कहें कि पोटेंशियल डिफरेंस V है उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो करंट फ्लो होगा उस सर्किट के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके पोटेंशियल डिफरेंस के क्लियर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशन देखने को हमें मिलेगा ओम स्लो की हेल्प से जैसे थोड़ा सा मैं इसको समझाना चाहूँ आपको कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में कोई कंडक्टर है इसको इसके दोनों एंड्स को आपने बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट किया जिसकी वैल्यू कितनी है वी इसकी वजह से करंट आई फ्लो होगा ये मेटल कंडक्टर है इसके एक रोस ये ए एंड है ये बी एंड है इसके एक रोस आपने पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट किया जिसकी वजह से करंट फ्लो होगा तो डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग ये करंट फ्लोइंग यानी कि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा इस वायर के अंदर जैसे जैसे आप वोल्टेज कम करेंगे तो इस वायर के अंदर करंट जो फ्लो होगा वो भी क्या होगा कम होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग है कि एक चीज बढ़ाएंगे तो दूसरी भी बढ़ेगी और एक चीज घटाएंगे तो दूसरी चीज भी घटेगी क्लियर अदर वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हैं कि ओम स्लो हमें रिलेशन देता है किस किस के बीच में वोल्टेज करंट और जो आपने कंडक्टर लिया है उसका कुछ न कुछ रेजिस्टेंस तो जरूर होगा यानी कि उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के बीच में इन तीनों के चीज़ इन तीनों के बीच में रिलेशन हमें देता है ओम्स लो तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा और जो मैंने गलती छोड़ी है इस डेफिनेशन के अंदर उसको अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा चलिए अब थोड़ा आगे हम और देख लेते हैं इसके बारे में कि इसको सबसे पहले यानी कि ये जो ओम्स लो इसके बारे में किसने हमें बताया जो साइंटिस्ट थे जियोर्ज सेमन ओम जो फिगर में आपको दिखाई दे रहे हैं इन्होंने ही हमें ओम स्लो बताया जिनका नाम जियोर्ज सेमन ओम है हमने कल रेजिस्टेंस की यूनिट देखी थी ना ओम तो वो इन्हीं के नेम के बेसिस पे है देखो मोस्टली फिज़िक्स के अंदर जो यूनिट आपको देखने को मिलती हैं वो साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पे आपको देखने को मिलती हैं तो यहाँ पे भी जो रेजिस्टेंस है किसी मेटलिक कंडक्टर का उसकी यूनिट को आप ओम से रिप्रेजेंट करेंगे और यूनिट का जो सिंबल है वो ये आप लोगों ने नोट किया होगा कल जैसे किलोग्राम के लिए आप सिंबल के जी यूज़ करते हैं मीटर के लिए एम यूज़ करते हैं एम के लिए ए यूज़ करते हैं क्लियर ऐसे ही ओम को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल आप यूज़ करते हैं क्लियर चलिए अब आगे देखते हैं कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्टेज है करंट है और रेजिस्टेंस है इनके बीच में कैसे मैथमेटिकल रिलेशन हमें देखने को मिला हालांकि कल इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं उसी को हम प्रूफ करेंगे बस जो डेफिनेशन हमें बताई गई है जो ऊपर ओम स्लो की हेल्प से इसी डेफिनेशन की हेल्प से हम जो है रिलेशन देखने जा रहे हैं क्लियर इस डेफिनेशन की हेल्प से जो है हम रिलेशन देखेंगे तो देखिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन की जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट देखो कई चीजों के अंदर कई बुक्स के अंदर कई नोट्स के अंदर आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है कि करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज अगेन रिपीटिंग करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द एंड्स ऑफ दैट कंडक्टर ध्यान से देखिएगा चाहे डेफिनेशन को ऐसे बोला जाए चाहे बोला जाए कि वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्टेड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर चाहे बोला ऐसे जाए लेकिन लिखना आपको हमेशा ऐसे ही है आप ये नहीं लिखेंगे उल्टा नहीं लिखेंगे I इज डायरेक्टली proportional टू V. अगर ऐसे भी लिखेंगे तो जो आपको इस प्रपोजलिटी के साइन को हटाने के लिए कॉन्स्टेंट यूज करना है वो I की साइड ही लगाना है ना कि V की साइड क्लियर ये चीज ध्यान रखिएगा आप इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप इस रिलेशन को हमेशा ऐसे ही लिखेंगे ऐसे ही याद रखिएगा क्लियर तो हमें ये तो मालूम है कि इस रिलेशन के अंदर ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन है नाइन्थ क्लास में भी हमने पढ़ा कि इसको हटाने के लिए जहाँ भी हमें ये साइन दिखाई देगा इसको हटाने के लिए हम कोई कांस्टेंट यूज करते हैं तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको हमने इसको हटाने के लिए इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए जो कांस्टेंट यूज किया उसका नाम क्या है आर क्लियर आर के बारे में नीचे डिटेल में लिखा गया है इसको भी हम पढ़ लेंगे क्लियर तो ये हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया और आर कॉन्स्टेंट यूज किया और ये इक्वेशन इक्वल टू में चेंज हो गई वी इक्वल टू आर आई लेकिन इस इक्वेशन को रीअराइज करके ऐसे लिख दिया वीज इक्वल टू आई आर क्योंकि काफी बुक्स के अंदर काफी नोट्स के अंदर आप सर्च करेंगे तो वी इक्वल टू आई आर लिखा हुआ ज़्यादा आपको मिलेगा और बोलने में भी आसान लगता है वी इक्वल टू आई आर क्लियर वो आपकी मर्जी है आप चाहें इसको ऐसे लिखना चाहते हैं ऐसे बोलना चाहते हैं वी इक्वल टू आर आई बोलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ऐसे इसको बोलना और लिखना पसंद किया जाता है क्लियर तो अब आर के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट आर यूज़ किया गया है वो हमें यहाँ पर क्या बताना चाहता है हालांकि कल हमने देख लिया इसके बारे में कि आर इज ए कॉन्स्टेंट फॉर द गिवन मेटल वायर यानी कि एक पर्टिकुलर मेटल के लिए एक पर्टिकुलर मेटलिक वायर के लिए एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट रहेगी यानी कि अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो उसके लिए इसकी वैल्यू कुछ रहेगी अगर आप सिल्वर के लिए बात करें उसके लिए इसकी वैल्यू अलग रहेगी आप कॉपर के लिए बात करें उसके लिए वैल्यू अलग रहेगी आप आयरन के लिए बात करें उसके लिए वैल्यू अलग रहेगी ये सब मैंने आपको कंडक्टर्स बताए हैं क्लियर इन सब की जो वैल्यू है करंट को अपोज करने की वो अपनी अपनी अलग अलग है लेकिन कांस्टेंट है लेकिन कॉन्स्टेंट भी कब है जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए यानी कि अगर आप 30 डिग्री सेल्सियस पे एल्यूमिनियम की वैल्यू देखेंगे तो वो कांस्टेंट आपको मिलेगी सिल्वर की कांस्टेंट मिलेगी 30 डिग्री पे। 30 डिग्री पे कॉपर की वैल्यू अपनी अलग होगी कॉन्स्टेंट होगी लेकिन यानी कि एल्यूमिनियम से डिफरेंट होगी सिल्वर की सिल्वर से डिफरेंट होगी कॉपर की सबकी वैल्यू अलग अलग होगी लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे सभी की वैल्यू कॉन्स्टेंट मिलेगी इस रेजिस्टेंस की हाँ अगर आप टेम्परेचर चेंज कर देते हैं जैसे कि बात करें आपने एल्यूमिनियम की कोई वायर ले ली ये एल्यूमिनियम की वायर हम मान लीजिए पहले आपने इसको तीस डिग्री टेम्परेचर पे इसका रेजिस्टेंस आपने नोट किया कुछ अलग वैल्यू थी जब आपने टेम्परेचर इसका 60 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया तब इसका जो रेजिस्टेंस है वो कुछ अलग हो जाएगा दैट इज़ आर डैश से मान लो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया तो इसलिए बोला गया है यहाँ पे कि एक मेटल वायर है उसका एक गिवन टेम्परेचर पे उसका जो रेजिस्टेंस है वो कॉन्स्टेंट मिलेगा क्लियर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा क्लियर और इसी कॉन्स्टेंट को क्या नाम दिया गया रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ठीक है इतना आपको समझ में आ गया होगा तो ये रिलेशन आप लोग याद रखिएगा इन रिलेशन के बेसिस पे ही आप काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक सर्किट्स को सोल्व कर पाएंगे यहाँ पे फिगर आप कुछ समझाने की कोशिश कर रही है आप देखिएगा यहाँ पे कि ये यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज आपको दिखाई दे रही है क्लियर ये कार्टून वोल्टेज रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे और ये वोल्टेज क्या करती है करंट के ऊपर एक तरह से प्रेशर लगाती है फोर्स लगाती है और करंट को आगे की डायरेक्शन में फ्लो कराती है यहाँ पे रेजिस्टेंस है जो क्या करता है इस करंट को आगे बढ़ने से रोकता है इसका अपोज करता है क्लियर वोल्टेज क्या इलेक्ट्रिक प्रेशर जो करंट को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है और रेजिस्टेंस क्या है अगर किसी मेटेरियल का अपना कुछ अलग रेजिस्टेंस होगा तो वो क्या करेगा उस करंट को आगे बढ़ने से रोकेगा उसके फ्लो को क्या करेगा कम करने की कोशिश करेगा यानी कि स्पीड है पहले रेजिस्टेंस नहीं था मान लीजिए ये ऐसी शेप थी ये वाली शेप नहीं थी तो इसमें करंट जल्दी से फ्लो कर जा रहा था लेकिन जब आपने बीच में रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर दिया क्लियर जब ये रेजिस्टेंस आ गया यानी कि ये वायर थी पहले ये वायर थी सिंपल अब इसके बीच में आपने ये रेजिस्टेंस लगा दिया तो उसकी वजह से क्या होगा करंट कुछ कम फ्लो करेगा कल आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया ना वोल्टेज आपने सेम रखी रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज किया तो आपने देखा ना करंट एक केस में आ रहा था 11.5 पॉइंट और एक केस में आ रहा था 1.15 पॉइंट तो वो किस वजह से था करंट की वैल्यू कम क्यों हो रही थी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही थी क्लियर आपने रेजिस्टेंस का कल सिंबल भी देख लिया था कलर कोड भी आपने देख लिया था तो अब इस फिगर के बारे में ज़्यादा कोई और वो नहीं है सिर्फ आपको समझाने के लिए हाँ ध्यान रखिएगा ये ऐसा नहीं है कि आप ये वायर है और इसको आप बीच में से दबा देंगे तो करंट का फ्लो कम हो जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है वो सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि अगर बीच में अगर आप रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर देंगे एक स्पेशल कंपोनेंट है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा करंट का फ्लो कम हो जाएगा वैल्यू कम हो जाएगी क्लियर आगे देखते हैं आप ये एक इंपॉर्टेंट ऑम स्लो ट्राइंगल है और अगर आप ये ट्राइंगल ऐसे ही याद रखेंगे तो आपको जो फॉर्मूले आपको ऊपर गिवन है उनको याद रखने की जरूरत नहीं है अगर ये ट्राइंगल आप ऐसे याद रखेंगे तो देखिए इस ट्राइंगल के अंदर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है ये ट्राइंगल आपने ऐसे बनाई है, है तो इसके अंदर देखिए हमारे पास में ऊपर वी लिखा हुआ है आई लिखा हुआ है आर लिखा हुआ है राइट साइड में नीचे वाले पोर्सन में तो आपको जब वी निकालना है तो देखिए क्या दिखाई दे रहा है नीचे आई आर तो वी निकालने का फॉर्मूला क्या बना आई आर वी इज इक्वल टू आई आर ठीक है जब आपको करंट निकालना है और वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे V डिवाइड बाई R क्लियर ऐसे ही जब आपको किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है और वोल्टेज और करंट आपको गिवन है तो आप ऐसे चीज़ों को याद रख सकते हैं कि ये डिवाइड में आ गया बीच में आर निकालने के लिए आई निकालने के लिए इन दोनों के बीच में डिवीज़न आ गया v निकालने के लिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लीकेशन में दिखाई दे रही है सिंपल है हो जाएगा एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप अब उसके बाद देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे के लिए भी और अभी के लिए भी मैं फटाफट से जो है 20 मिनट के अंदर अंदर इसको कंप्लीट करने की पूरे वीडियो को खत्म करने की कोशिश करूंगा तो देखिए लिमिटेशंस ऑफ ओम स्लो कि ओम स्लो की क्या खामियां हैं कि इसको कुछ पर्टिकुलर केसेस के लिए ही यूज किया जा सकता है देखिए क्या कहता है कि ओम्स लॉ इज ओबेड ओनली वेहन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा तभी ये लो काम करेगा अदरवाइज नहीं काम करेगा टेम्परेचर अगर बार बार चेंज हो रहा है तो ये लॉ काम नहीं करेगा ठीक है दूसरा देखिए नेक्स्ट It is for metal only, कि इट इज वैल्यड फॉर मेटल कंडक्टर ओनली यानी कि एल्यूमिनियम के बने हुए हैं कॉपर के बने हुए हैं सिल्वर के बने हुए हैं आयरन के बने हुए हैं उन मेटल कंडक्टर पे ये वैलिड होगा बट नॉट अप्लीकेबल फॉर नॉन मेटेलिक और सेमी कंडक्टर्स यानि कि जैसे प्लास्टिक सेमी कंडक्टर्स के अंदर जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम आ गए क्लियर नॉन मेटेलिक में तो आ गया आपके पास में जैसे प्लास्टिक रबड़ आ गया और सेमी के अंदर आ गया आपके पास में सिलीकॉन और जर्मेनियम यानी कि इस टाइप के मेटेरियल्स के ऊपर यह लो अप्लीकेबल नहीं है केवल अप्लीकेबल है मेटल कंडक्टर के ऊपर ठीक है इतना भी समझ में आ गया नेक्स्ट है नॉन ओमिक मेटेरियल्स और ओमिक मटेरियल्स देखिए कंडक्टर्स को दो कैटेगरी में रखा गया है एक ओमिक मटेरियल्स और एक नॉन ओमिक मटेरियल्स क्लियर नॉन ओमिक मटेरियल्स वो हैं जो कि ओम्स लोग को कंप्लीटली फॉलो करते हैं ओबे करते हैं देखिए करंट तो पास होगा क्लियर तो नॉन ओमिक मेटेरियल्स क्या है जो कि ओम स्लो को कंप्लीटली फॉलो नहीं करते अगर ऊपर कुछ बताने में मिस्टेक हो गई हो तो दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि नॉन ओमिक मेटेरियल्स क्या हैं कि ऐसे मैटेरियल्स जिनके अंदर करंट तो फ्लो होता है लेकिन ओम स्लो को पूरी तरह से फॉलो नहीं करते ऐसे मेटेरियल्स को हम कहेंगे नॉन ओमिक मैटेरियल्स और इसके एग्जाम्पल पहले आपको बताया गया सेमी जैसे कि जर्मेनियम सिलीकोन आपने देखा था ना डायोड का सिम्बल दो दिन पहले क्लियर तो ये डायोड सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर्स मटेरियल के बने होते हैं क्लियर जैसे वायर्स आपकी बनी होती हैं एल्यूमिनियम सिल्वर कॉपर ऐसे ही डायोड आपका जर्मेनियम और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर्स के बने होते हैं दूसरा देखिए ओमिक मटेरियल्स की बात करें तो ओमिक मटेरियल्स वो हैं जिनके अंदर करंट फ्लो होता है और वो पूरी तरह से ओम स्लो को फॉलो करते हैं क्लियर द मेटेरियल विच ओबे ओम स्लो कंप्लीटली आप ऐसे समझ सकते हैं मतलब चीजें क्या है ओम स्लो फॉलो करने का मतलब क्या जो आपको रिलेशन दिखाया गया ना आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई ये रिलेशन इसकी वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए जब आप v की वैल्यू चेंज करें और i की वैल्यू चेंज करें तो r की वैल्यू कांस्टेंट अगर आती है क्लियर जितनी भी आप वैल्यू चेंज कीजिए ये अगर कांस्टेंट आती है तो उन मटेरियल्स को ओमिक मटेरियल्स कहेंगे और अगर ये r की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आए v की वैल्यू कुछ अलग आर की आई की वैल्यू कुछ अलग तो उन मेटीरियल्स को हम कहेंगे नॉन ओमिक मटेरियल्स तो इनको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट किया गया है कि ओमिक मटेरियल्स के अंदर वोल्टेज और करंट के बीच में कैसा रिलेशन आपको देखने को मिलेगा तो देखिए अगर आपके पास में ओमिक मटेरियल्स हैं तो एक लीनियर रिलेशन देखने को मिलेगा ये कैसा रिलेशन है लीनियर रिलेशन है किसके बीच में वोल्टेज और करंट लीनियर रिलेशन का मतलब क्या आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो उस कंडक्टर के अक्रॉस उस मेटेरियल के अक्रॉस करंट भी बढ़ेगा और जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट क्या है उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा तो आप मैथमेटिकली ये कह सकते हैं कि आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा जैसे एक पॉइंट ये हो गया एक पॉइंट ये हो गया एक पॉइंट ये हो गया अगर इस स्ट्रेट लाइन पे ये चार पॉइंट आप लेके चलते हैं तो इनका जो रेशियो निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी बराबर आएगी यानी कि आर यहां पर आप कह कह सकते हैं कि आर जो है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है क्लियर दूसरी फिगर देखिए अगर आपके जो मेटेरियल्स हैं वो नॉन ओमिक हैं यानी कि जो ओम स्लो को फॉलो नहीं करते तो उस केस में स्ट्रेट लाइन आपको लीनियर ग्राफ आपको देखने को नहीं मिलेगा यानी कि लाइन आपको देखिए कर्व्ड दिखाई दे रही है ट इज जो रेशियो आएगा आर इज इक्वल टू वी बाई आई वो कॉन्स्टेंट नहीं होगा नॉन ओमिक मेटेरियल्स केस में हालांकि आपको पहले ही बता देता हूं ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है थ्योरटिकल वैल्यू क्लियर लेकिन प्रैक्टिकली यानी कि जब आप प्रैक्टिकली चेक करेंगे तो ये लाइन थोड़ी सी चेंज आएगी क्लियर एग्जैक्टली ऐसे लीनियर नहीं आएगी थोड़ी सी चेंज आएगी ज़्यादा नहीं थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा प्रैक्टिकल वैल्यू कुछ अलग होगी थियोरटिकल वैल्यू कुछ अलग होगी ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा ठीक है तो इतना आप लोगों को ओम्सलो से चीज़ें याद रखनी है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा टाइम जरूर लगा 25 मिनट के लगभग हो गया Thanks for watching the video.